वील बी इंजॉइंग इट. ओके, इंटरनेशनल ट्रेड की थ्योरीज कितने लोग भूल जाते हैं, आज की बात से नहीं भूलेंगे. फटाफट से चार थ्योरीज डिस्कस करते हैं जो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है. बात करते हैं मर्केंटलिस्ट थ्योरी की. मर्केंटलिस्ट थ्योरी को आप ना ग्रीडी थ्योरी भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये थ्योरी ना हमें ये समझाती है कि किसी भी कंट्री को एक्सपोर्ट करना चाहिए लेकिन इम्पोर्ट नहीं करना चाहिए. बहुत गलत बात है. आपने WTO, यूनाइटेड नेशंस, इन सारी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस को बोलते हुए सुना है कि एवरी कंट्री शुड अलाउ फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एंड आउट ऑफ द कंट्री. दैट मीन्स एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट होना चाहिए. लेकिन ये थ्योरी, क्योंकि काफ़ी लालची है, काफ़ी ग्रीडी है, वो बोलते हैं कि सिर्फ एक्सपोर्ट करो क्योंकि अच्छा अच्छा फॉरेन एक्सचेंज कंट्री के अंडर आएगा, इम्पोर्ट मत करो क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज आपको बाहर भेजना पड़ेगा. तो दिस इज आर मर्केंटलिस्ट थ्योरी. यू कैन ऑब्वियसली रीड द स्टडी मैट एंड पुट द थिंग्स इन टू वर्ड्स, बट दिस इज वॉट इज द बेसिक कंसेप्ट. नाउ लेट अस गेट बैक टू एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी. एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी इज द ईजिएस्ट वन. होता कुछ नहीं है, इंडिया है और जापान है. इंडिया है, जापान है, और दो प्रोडक्ट्स ले लीजिए, राइस ले लीजिए, शुगर लीजिए, और हम बात करते हैं एक घंटे की. एक घंटे में इंडिया जो राइस बनाती है ना, उसके लिए उसको दो लेबर लगते हैं, और जापान राइस बनाता है तो उसे सिर्फ एक लेबर लगता है. मतलब आप सिंपल सी बात मानिए, आप एक घंटा छोड़िए, आप सिंपल सा बोलिए, हम लोग बात करें 1 kg राइस की, 1 kg शुगर की. 1 kg राइस बनाने में इंडिया को 2 लेबर लगती है, जापान को सिर्फ 1 लेबर लगती है, और 1 kg शुगर बनाने में इंडिया को 1 लेबर लगती है और जापान को 3 लेबर लगती है. एब्सोल्यूटली कोई क्लियर कोई कन्फ्यूजन ही नहीं है. क्लियर हो चुका है कि राइस बनाने में एफिशिएंसी किसकी है, ऑब्वियसली जापान की है. पूरा 1 kg चावल सिर्फ 1 लेबर बना लेती है जापान में. और शुगर की बात करें तो 1 kg शुगर इंडिया में सिर्फ 1 लेबर बना लेती है, यानी कि इंडिया की एफिशिएंसी है. तो ऐसी कंट्रीज को सजेस्ट किया जाता है कि जैसे कि इंडिया राइस बनाने में उतनी अच्छी नहीं है लेकिन शुगर एकदम फटाफट बना लेती है, ऐसे ही जापान शुगर बनाने में अच्छी नहीं है लेकिन राइस एकदम फटाफट बना लेती है. तो ऐसी कंट्रीज को सजेस्ट किया जाता है कि जो आप फटाफट बना सकते हैं ना, वही बनाएं, अपने लिए भी बनाएं, बाहर एक्सपोर्ट करने के लिए भी बनाएं. तो इंडिया पता आप क्या करेगी, इंडिया चूंकि शुगर बनाने में काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इंडिया शुगर बनाएगी, खुद भी खाएगी, एक्सपोर्ट भी करेगी, और इम्पोर्ट पता क्या करेगी, इम्पोर्ट करेगी जापान से राइस. और सिमिलरली जापान की बात की जाए तो जापान राइस ही बनाएगा, वो शुगर नहीं बनाएगा, वो शुगर नहीं बनाएगा क्योंकि शुगर बहुत महंगी पड़ रही है, 3 लेबर को अपॉइंट करना पड़ रहा है. इससे अच्छा 1 लेबर को अपॉइंट करो, 1 kg राइस बनाओ, खुद भी खाओ, एक्सपोर्ट भी करो, और इम्पोर्ट क्या कर लो, इम्पोर्ट आप शुगर कर लो. तो ये होता है एब्सोल्यूट एडवांटेज. क्लियर कट, कोई कंफ्यूजन नहीं है, साफ साफ दिख रहा है. इंडिया शुगर अच्छा बनाती है, जापान राइस अच्छा बनाता है, जो अच्छा बनाता है वही बनाओ, उसे एक्सपोर्ट करो, और दूसरी वाली कंट्री से वो आइटम मंगा लो जो आप अच्छा नहीं बनाते. इंडिया शुगर अच्छा बनाती है लेकिन राइस अच्छा नहीं मंगाती ना, राइस अच्छा नहीं बना पाती तो उसने जापान से राइस को इम्पोर्ट कर लिया. जापान शुगर अच्छी नहीं बना पाता तो उसने इंडिया से इम्पोर्ट कर लिया. अच्छा, अब बहुत इंपॉर्टेंट आ रहा है थ्योरी.